हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करती हूँ कि लास्ट क्लास में मैंने जितना भी आपको पढ़ाया था वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा नंबर ऑफ जीरो से रिलेटेड, और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस जो हमारे नंबर ऑफ जीरो से रिलेटेड हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की उनकी प्रॉबिलिटी भी बनती है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो उसके बाद एग्जामिनर आपसे कितने भी टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं नंबर ऑफ जीरो से रिलेटेड, कितना भी वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है, आप उसको कर लेंगे। आप देखते ही बता देंगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो हमारा है आज क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहले हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन के बारे में जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। मैंने आपको होमवर्क में तीन क्वेश्चन दिए थे, तो पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा 87 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मीनिंग मैंने बता दिया था तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। मैंने बताया था कि अगर 87 फैक्टोरियल में नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, हम 5 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि अगर 2 की बात करें तो किसी भी नंबर में 2 की भरमारी होती है, क्योंकि 2 हमारा क्या होता है, जितने भी इवन नंबर होते हैं 2 उसका मल्टीपल ही होता है। तो इसलिए हम 2 कंसीडर नहीं करेंगे, हम कंसीडर करेंगे 5, क्योंकि हमें 0 फॉर्म करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, या तो 2 की ज़रूरत होती है या तो 5 की ज़रूरत होती है। 2 हमारे पास बहुत सारे हैं तो हम क्या कंसीडर करेंगे, हम 5 कंसीडर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 87 को 5 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 87 को 5 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 टाइम्स जाएगा, 3 हो जाएगा, 17 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 17 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि हम प्रॉपर नंबर लेते हैं, फ्रैक्शन में नहीं लेते, पॉइंट में नहीं लेंगे, हम प्रॉपर नंबर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 3। हम देखते हैं कि 3 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम पॉइंट में करना ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको यहीं पास छोड़ देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा कितना आ जाता है, 20, मीन्स नंबर ऑफ़ ज़ीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज हमारे हो जाएंगे 20। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 120 फैक्टोरियल। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम 120 में 5 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये जाएगा 1 टाइम्स, फिर उसके नहीं सॉरी 2 टाइम्स जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा 4। पहले 2 टाइम्स जाएगा 10, 2 हमारा बच जाएगा रिमाइंडर, तो हमारा 20 हो जाएगा, 4 टाइम्स चला जाएगा। अब 24 हमारा डिवाइड हो सकता है 5 से, बिल्कुल हो सकता है। 5 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 नहीं डिवाइड होगा तो 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 28 हमारा नंबर ऑफ़ जीरो की संख्या हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 × 4 × 6 × 8 × 22। अब इसे ध्यान से देखिए और एक बात एनालाइज कीजिए कि ये हमारा क्या है, 2 × 1, ये क्या है 2 × 2, ये क्या है 2 × 3, इस तरह ये कितना है 2 × 11। तो हमारा 2 कितने टाइम्स यूज हुआ है, 11 टाइम्स। ये हमारा मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 11 को हम बाहर कर लेंगे, अंदर हमारा बच जाएगा 1 × 2 × 3 … 11। अब एक बात ऑब्जर्व करना कि हमारा जो ये नंबर है ये क्या है, 11 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल में नंबर गिवन है तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे नंबर को, 2 हमारा दिया हुआ है, हमें 5 कंसीडर करना है, ये हमारा 11 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 11 को क्या करेंगे, हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारे नंबर ऑफ ज़ीरो क्या आ जाएंगे, 2। हमारा जो आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर वो 2 हो जाएगा। तो इस तरह हम ऐसे क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं, क्योंकि 5 के नंबर ऑफ 5 कितने हैं, 2 हैं। वो सिर्फ 2 के साथ ही हमारा जीरो फॉर्म कर पाएगा, क्योंकि जितने ये हमेशा पेयर में चलते हैं, पेयर के अलावा नहीं, अकेले फॉर्म नहीं कर सकते। 2 हमारे पास कितने भी हों या 5 हमारे पास कितने भी हों, मैंने आपको बताया था 2 और 5 में से जिसकी भी जो पावर है वो मिनिमम होती है, वही हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरो हो जाते हैं। या हम देखेंगे 5 की पावर कितनी है, 2 है, ये मिनिमम है, 2 की पावर कितनी, 11, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसको तो आप देख के ही बता सकते हैं क्योंकि लास्ट में 0 0 है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में, मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस में नंबर गिवेन है, आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने होंगे, तो जिस पोर्शन में
चाहे ये पोर्शन हो, चाहे ये पोर्शन, चाहे ये पोर्शन, चाहे ये पोर्शन, जिस पोर्शन में नंबर ऑफ़ जीरो की संख्या जितनी कम होगी, सबसे कम जिस पोर्शन में होगी नंबर ऑफ़ जीरो की संख्या, उतने ही टोटल नंबर ऑफ़ जीरो हो जाएंगे, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि नंबर ऑफ़ जीरो कितने हैं, 3 हैं, यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं, 1। तो इस पोर्शन में नंबर ऑफ़ जीरो सबसे कम है, मतलब 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ़ जीरो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं या प्रूव करना चाहते हैं तो आप इन्हें ऐड करके देख सकते हैं, जो नंबर ऑफ़ जीरो फाइनल में हमारा 1 ही आएगा। तो ये हमारे छोटे छोटे रूल्स हैं जो बहुत जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन करना चाहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इन्हें ध्यान में रख के चलिए, नोट्स बनाइए अपने, ये सारे पॉइंट्स आप कलेक्ट कीजिए, राइट कीजिए और अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 की पावर 11 इंटू 125 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 11 इंटू 7 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 11 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 13 इंटू 5 की पावर 125। अब हमें करना क्या है, इसमें हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, हम अलग अलग पार्ट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है, अगर प्लस दिया हुआ है तो जिस पार्ट में नंबर ऑफ़ ज़ीरो की संख्या जितनी कम होगी वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि 5 हमारा 1 है, 2 हमारा 10 है, तो इसमें क्या होगा, 5 और 2 में किसकी पावर सबसे कम है, 5 की, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब अगर हम इन सब की बात करें तो इसमें ज़्यादा होंगे, 1 से ज़्यादा हो जाएगी, इसमें भी 1 से ज़्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ़ ज़ीरो, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1। ऐसे क्वेश्चंस को आप देखते ही सॉल्व कर देंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है 100 फैक्टोरियल इनटू 200 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 20। 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, हमारा आ जाएगा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 24। और उसके बाद 200 की बात करते हैं, 200 फैक्टोरियल है, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 40। 40 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, तो ये हो जाएंगे 48। इनटू दिया हुआ है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है, 24 को 48 को हम ऐड कर देंगे, 24 प्लस 48 कितना हो जाएगा हमारा, ये 12 हो जाएगा, ये 6, 7 हो जाएगा, तो हमारा टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। अगर इनटू दिया हुआ है तो हम नंबर ऑफ़ ज़ीरो प्लस कर देते हैं, अगर प्लस दिया हुआ है तो जिस पोर्शन में सबसे कम होते हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरो वही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल, सेम क्वेश्चन, बस क्या है हमारा, जो यहाँ इनटू दिया हुआ है यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, 100 फैक्टोरियल कितना निकला था, 24 निकला था, इसका कितना निकला था, 48। अब इन दोनों में नंबर ऑफ़ ज़ीरो किस में कम है, 24 100 फैक्टोरियल में, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरो हमारे हो जाएंगे 24। इस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 7 × 14 × 21 × 28 … 2100। इसे क्या लिख सकते हैं, हम 7 कॉमन ले लेंगे, मीन्स 7 ये लिया हुआ, 7 × 1, ये 7 × 2, 7 × 3 कितने टाइम्स जा रहा है, 7 × 300 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, 7 की पावर 300 हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 × 2 × 3 … ये हो जाएगा 300। अब इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, आधा मैंने सॉल्व कर दिया, आधा सॉल्व करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम करना क्या है, ये हमारा 300 फैक्टोरियल है, 300 फैक्टोरियल को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, सॉल्व ही कर देते हैं, 300 को हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 को फिर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 को डिवाइड नहीं कर सकते तो क्या हो जाएगा, टोटल 60 प्लस 12 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 72 प्लस 2 74 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1³ × 2³ × 3³ × 5 × … × 26³² एक बात ऑब्जर्व करना, क्या दिया हुआ है, 1³ × 3 × 2³ × 4 × 3³ मीन्स 1³ 2 नहीं 3, 2³ 3 नहीं 4, 3³ 4 नहीं 5 एंड एक छोड़ की पावर बढ़ा रहा है, एक छोड़ की पावर लिखा हुआ है जैसे, तो इसमें देखते हैं 5 कितनी बार आएगा, 5 × 10 × 15
इंटू 20 इंटू 25, पावर क्या हो जाएगी, 5 की पावर 6 नहीं 7, 10 की पावर 11 नहीं 12, 15 की पावर 16 नहीं 17 और 20 की पावर 21 नहीं 22, एक छोड़ के 25 की पावर 26 नहीं 27। अब देखिए 25 के बाद क्या आ जाएगा हमारा, 26 आ जाएगा, पावर वैसे ही मैनर में बढ़ती जा रही है। तो इस तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 5 की पावर 7 है तो 5 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो, सॉरी 7 हो जाएंगे, इसमें कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, प्लस करेंगे ना, नंबर ऑफ़ जीरो निकाल रहे हैं, इसमें कितने हो जाएंगे हमारे 17 हो जाएंगे, इसमें कितने हो जाएंगे 22, इसमें कितने हो जाएंगे, ये 5 की पावर 2 है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, उसकी पावर क्या दी हुई है 27, मीन्स यहाँ नंबर ऑफ़ जीरो कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का हम 27 में, तो हमारा हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे, हमारे नंबर ऑफ जीरो डिटरमाइन हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 4 2 6 6 7 13 13 2 15 15 7 22, 2 ये हो जाएंगे तो हमारा कैरी हो जाएगा, 5 2 7 1 8 1 9 2 11, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे हमारा 112। ये हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है 5 × 10 × 15 ... 250, तो हम जानते हैं कि 5 × 1 दिया, ये 5 × 2, ये 5 × 3, ये हमारा दिया 5 × 50, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 50 हमारा बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 × 2 ... 50, ये 50 फैक्टोरियल हो गया। अब देखिए यहाँ पास हमारे 5 की भरमार है, हमें पास पता है कि हमें 5 कितने हमारे 50 हैं, अब निकालेंगे क्या 2 निकालेंगे, क्योंकि 5 तो हमें पता ही है, 5 तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, हमें निकालना है कि 2 कितने हो सकते हैं, 2 और 5 में जो मिनिमम होगा वही नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। तो यहाँ हम 50 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 एंड 2 × 2 = 4, 12 हो जाएगा, 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 6 आ जाएगा, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से 3 आ जाएगा, 3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 × 3 = 9 = 10 और 10 × 10 = 20 22 और 22 + 25, 5 2 7 2 2 4, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हो जाएंगे हमारे 47, टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरो हो जाएंगे 47, क्योंकि 5 के पास हमारे पास तो 5 थे ही पहले से ही, हमें उसे निकालने की ज़रूरत क्या है, हमें 2 निकालने की ज़रूरत है। अब देखेंगे 47, इसके पास हमारे पास 5 कितने हैं 50 और उसके बाद 2 कितने हैं 47, मिनिमम कौन है 2 मिनिमम है, तो हमारा मिनिमम वाला ही हो जाएगा, तो मिनिमम की जितनी भी पावर है वो हमारा नंबर ऑफ़ ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 × 27 × 63 × 113 × 1250 × 24 × 650, हमें ज़रूरत क्या है 2 की और 5 की, तो हम सिर्फ 2 कंसीडर करेंगे और 5 कंसीडर करेंगे, जिस नंबर में 2 5 नहीं है हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा जीरो किससे फॉर्म होता है, सिंपल सी बात है 2 और 5 से फॉर्म होता है, यहाँ पास हमारा 2 और 5 में से कोई फॉर्म हो रहा है, ये 2 फॉर्म हो रहा है, ये कितना है 2 की पावर 2, ये इसमें ना 2 है ना 5 है तो इसको हम छोड़ देंगे, तीसरे में जो 63 है उसमें भी ना हमारे पास 2 है और ना ही 5 है तो उसको हम छोड़ देंगे, 113 में भी ना 2 है ना 5 है उसको भी छोड़ देंगे, 1250 में हम देखेंगे यहाँ 2 भी हैं 5 भी हैं, 5 कितने टाइम्स आया हुआ है 5 × 5 = 25 मीन्स 5 की पावर 3 और 5 × 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 2 तो 5 की पावर 4 हो जाएगा एंड हो जाएगा 2 की पावर 1, 24 में कितने हो जाएंगे 24 में हमारा 2 आएगा, कितना आएगा 2 × 2 = 4 × 8 = 24 मीन्स 2 की पावर 3 और 3 से हमें मतलब नहीं है, 650 में कितना आ जाएगा अगर हम देखें तो 650 में कितना आएगा 5 × 5 = 25, 650 को हम कितना लिख सकते हैं, एक तो 10 हो गया हमारा, 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2 तो 2 हमारा 1 आ जाएगा, इसमें 5 कितना आ जाएगा 65 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 1 एंड 13 क्योंकि 13 × 5 = 65 होता है, तो इसमें 5 कितना आएगा हमारा
इसमें आ जाएगा पचास पच्चीस और फाइव की पावर थ्री, पच्चीस तक पचहत्तर होता है, पच्चीस और पच्चीस का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तीन में तो हमारा आ जाएगा तीन पच्चीस पंद्रह, तीन छः पचहत्तर आ जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। 65 में हम देखेंगे, 650 में हमारा 5 कितने आएगा, 650 में 5 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा पाँच एकम पाँच और पाँतिया पंद्रह, 130 आ रहा है। ये हमें लग रहा है थोड़ा सा डाउट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे प्लीज़ छोड़ दीजिए, मैं बाद में करा दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू डॉट डॉट 33 की पावर 5, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक से लेकर 33 की मल्टीप्लाई में 5 कितने टाइम्स यूज हुआ है, 5 की पावर 5, 10 की पावर 5 इंटू 15 की पावर 5 इंटू 20 की पावर 5 इंटू 25 की पावर 5 इंटू 30 की पावर 5, 35 जा नहीं सकता क्योंकि 33 लास्ट है हमारा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, इसमें 5 हो जाएगा, इसमें भी 5 हो जाएगा, इसमें भी 5, इसमें भी 5, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस इसमें क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर, तो स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस इसमें क्या लिख सकते हैं हम, इसमें भी हमारा 5 ही हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे ये 10 20 30 35, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ जीरो 35 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसे प्लीज़ कर लीजिएगा, नंबर ऑफ जीरो डिटरमाइन कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन, और भी कुछ क्वेश्चन है आपको होमवर्क के लिए, एक क्वेश्चन ये है, ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको नहीं आते तो नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा डिस्कस होने वाला है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मीन्स न्यू कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग रेगुलर रहिए ताकि आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो प्लीज़ आप लोग रेगुलर रहिए, वीडियो को एंड तक देखें एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।